saiyo. Maini sahab, aap bhi baithiye na. Baitho. लीजिए शुरुआत कीजिए जी. महेश वो अचार तो देना. जी. लीजिए. हाँ. अरे देखो ना आई तेजस्वी ताई ने फिर ये मनुष्य भिंडी मुझे दे दी. बहन के प्यार को मनहूस नहीं कहते बल्कि आशीर्वाद समझ के स्वीकार करते हैं. तुम दोनों इतने सयाने हो गए लेकिन बचपना नहीं गया. और महेश तुम अभी ये ना आई देखो ना ये सब छोड़ दो. अभी तुम काम शुरू करने वाले. वहां भी अगर कुछ हुआ तो तुम क्या शिकायत लेकर आई के पास जाओगे? बाबा आप भी ना. वैसे महेश तुम काम क्या करने वाले हो? जी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखकर जगह जगह भेज रहा हूँ और आज भी कुछ भेजने हैं. बस उम्मीद है जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी. क्यों नहीं मिलेगी? इतना होनहार है मेरा भाई. मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से तुझे नौकरी मिल जाए और फिर एक अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी करवा देंगे. लो. वैसे महेश कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? इसके पसंद की लड़की देख ली तो हो गया. जैसे ये दानी है वैसे ही ले आएगा. जो खुद पैसे होते हुए भी अपना पानी दूसरों को दे दे. क्या हुआ? दादी के सपने देखने लगा? ताई खाना खाने के बाद चावड़ी जाके काम में लग जाऊंगा. वैसे रामनवमी आ रही है तो सोच रहा हूँ कि रामनवमी का एक बड़ा सा उत्सव मनाकर मेरे आने की खबर दे दूं गांव वालों को. इसी बहाने गांव वालों से मिल भी लूंगा और समझ भी लूंगा कि उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं और फिर उनकी और बेहतर ढंग से मदद कर पाऊंगा. ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है काका. तुम मुझे चावड़ी ले चलोगे? जी जरूर. सीधा चावड़ी लेके जाना. कहीं जाके इन्हें उस फकीर के सामने खड़ा मत कर देना. फकीर कौन? हरिओम हरिओम. है फकीर खंडर में पड़ा रहता है. बस ये मान लीजिए कि क्लेश और कष्ट का केंद्र है वो. गांव के सभी लोग उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते हैं इनके सिवा. मैं भी इन पीर फकीरों में विश्वास नहीं रखता. हम सीधे चावड़ी ही जाएंगे. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरा भी यही ख्याल है. हरिओम. बल्कि मेरा तो हर संभव प्रयास रहा है कि यह शिरडी साई मुक्त हो जाए. अब आप आ गए हैं तो मेरी तो चिंता नहीं. सरकार ब्रिटिश सरकार लोगों की आस्था के बीच नहीं आना चाहती. लोग जो मानना चाहते हैं माने. जब तक वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करे बाधा ना बने हमें उस पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं. ना मैं किसी की आस्था पर प्रश्न उठाना चाहता हूं और ना ये चाहता हूं कि कोई मेरी आस्था पर प्रश्न उठाए. <स्थाथ
छोटा है लेकिन खुशहाल है हमारी शिरडी, लोगों में एकता है। अच्छी बात है। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। ये बलवंत काका है, तेजस्वी के काका, कल ही शिरडी आए। केशव ने बताया आपके बारे में। देखिए मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, पर माफ कीजिए मैं पीर फकीरों में विश्वास नहीं रखता हूँ। अभी काम पर जा रहा हूँ, जल्दी मैं हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप चावड़ी आकर मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साईं तो खुद सबकी मदद करते, उन्हें किसी की मदद की क्या जरूरत है। बलवंत जी बस एक क्षण चाहिए आपका। बलवंत जी, आप रामनवमी का उत्सव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, इसीलिए ये रामलल्ला की मूर्ति लाया हूं आपके लिए। आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं रामनवमी का उत्सव मनाने के बारे में सोच रहा हूं? ये बात तो मैंने अपने परिवार के सिवा किसी से नहीं कही है। यही तो साईं है जो सबकी सुनते। बलवंत जी आप ही की तरह राम जी का सेवक हूं, और सेवा तो अनजान लोगों को भी एक रिश्ते में जोड़ देती है, और सभी भक्त एक परिवार के समान ही तो हैं। इसलिए शायद मुझे एहसास हो गया कि आप रामनवमी की पूजा करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए ये मूर्ति मैं आपके लिए ले आया। ले लीजिए काका। इसके लिए शुक्रिया। मैं काका को चावड़ी तक छोड़ने जा रहा हूं साईं। लीजिए पहुंच गए चावड़ी। वाह अच्छा है। अच्छा केशव मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव के हर एक परिवार से एक प्रतिनिधि को बुलाकर मैं उनके साथ रामनवमी के उत्सव के बारे में कुछ बात कर लूँ आज दोपहर चावड़ी में। तो कुल मिलाकर कितने घर होंगे शिरडी में? काका ऐसे तो नहीं पता, लेकिन गांव और बस्ती वालों को मिलाकर 50 से तो ऊपर ही होंगे। लगता है नीची जात के बस्ती वालों को ये गाँव वालों में गिन रहा है। मैं सबको बोल दूंगा। नहीं नहीं ये काम तुम मत करो, संता पंता को बता दो। अरे कुलकर्णी सरकार ने बोला है मुझे उनकी सेवा लेने के लिए, और वैसे तुम्हें अपने काम भी होंगे। जैसा आपको ठीक लगे, मैं घर जाके संता पंता से बोल देता हूँ। ठीक है तुम जाओ। यही सही होगा। गांव वालों में कौन गिनता है बाहर के उन बस्ती वालों को? और वैसे भी वो संता पंता काम चोर लग रहे हैं, वो तो पक्का नहीं जाएंगे उस बस्ती में। क्या हुआ साईं? किसी को समझाना है कि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, आखिर में राम जी सबके साथ न्याय करते हैं। मेरा एक काम करोगे?
महेश बहुत हो गया काम, अब थोड़ा आराम कर ले। तुम्हारे लिए भाकरवड़ी लाई हूँ अपने हाथों से बना के। आई, पर आपने तो संध्या काकी से बोल के बाजार से ताई, आप किसी से भी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन मुझसे नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब ताई पिछली बार बंबई में रसोई में गई थी ना, तो रसोई में आग लग गई थी। सच्ची? ऐसा क्या बना रही थी? पानी उबाल रही थी। तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मजा उड़ा रहे हो? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मामा को काम क्यों नहीं करने दे रहा? ताई, वो मुझसे बस गणित के कुछ सवाल समझने आया। तो फिर एक मदद और कर दे। बोलो ना ताई। मैं राजा को बंबई के किसी अच्छे विद्यालय में भेजने के बारे में सोच रही हूँ। तू देखना कौन सा सही रहेगा। नहीं, मुझे बंबई नहीं जाना है। अगर नहीं किया ना तो प्रहलाद जो चाहता है वही होगा। ऐसा क्या गलत कहा मैंने? क्या राजा की पढ़ाई लिखाई आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्यों नहीं, लेकिन गांव की पाठशाला भी अच्छी है, अध्यापक अच्छे हैं जो शायद शहर से भी बेहतर पढ़ाते हैं। बड़े होकर उच्च शिक्षा के लिए अगर ये बाहर जाना चाहेगा तो ये इसके ऊपर है, लेकिन अभी यहां रहकर पढ़ाई पूरी कर सकता है। क्यों महेश? हाँ बोलना, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बात सिर्फ पढ़ाई की तो नहीं है ना, माहौल भी जरूरी है। यहाँ गांव वालों के बीच में क्या सीखेगा? बंबई जाएगा तो बड़ा साहब बनेगा मेरा राजा। यहाँ गांव वालों के बीच में कितना भी अव्वल आए, रहेगा तो गवार ही ना। बोलना महेश। मुझे लगता है किसी भी फैसले से पहले बच्चों से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण समझना भी जरूरी है। मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। फिर तो बात साफ है, प्रहलाद को यहीं रहना चाहिए। महेश, तू खुद शहर में पढ़ा है, फिर तू ऐसे कैसे मान रहा है कि मेरा राजा गांव में पढ़ेगा? बच्चों को अगर हम अभी से उन फैसलों में इज्जत नहीं देंगे जो उनके भविष्य के लिए लिए जाने जरूरी हैं, तो वो कभी अपनी इज्जत करना नहीं सीख पाएंगे। प्रहलाद ने अपनी इच्छा बता दी, वो यहीं रहना चाहता है। आज ये भयंकर काका छुट्टी पे है,
हमारे ग्वाले गाय का चारा पानी का समय हो गया है, इसीलिए वो शोर कर रही है। मैं अभी देके आता हूं। दाजी आप रुकिए ना, मैं जाता हूं। तू क्यों नहीं? दाजी मैं जब भी अपने ननिहाल जाता था ना तो गाय की देखभाल मैं ही करता था। बंबई में कभी ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता था, यहां मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। जरूर जी। कैसी तबीयत है माई? पहले से बेहतर है। मैं तो झिपरी से भी यही कह रही थी कि अब मैं सब संभाल लूंगी, पर यह है कि मानती ही नहीं। और फिर सांवरी भी आती ही होगी। लेकिन साईं आप यहां? मुझे लक्ष्मी से कुछ काम है। बोलो ना साईं। लक्ष्मी बस्ती के सारे लोगों को बुला लो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कुछ परेशानी है क्या साई? कुछ हुआ है? नहीं, लेकिन कुछ करने का मौका मिला है। अभी के लिए इतना ही समझना काफी है। जाओ सबको लेकर आओ। ठीक है साई। और हाँ सांवरी को भी बुला लेना। कहाँ होगी वो अभी? पूरे 50 हैं। एक काम कर, तू वहां से गोबर उठा, मैं पैसे लेकर आता हूं। दिखाई नहीं देता क्या? गौ माता को छुआ कैसे तूने? अब इनकी शुद्धि करनी होगी। छू लिया तो क्या हो गया? और ये कोई तरीका हुआ किसी से बात करने का? साहिब ये बाहर की बस्ती वाले लोग हैं, नीची जाति के। नीची जात ऊंची जात कुछ नहीं होता, समझे ना। इंसान ऊंचा अपने काम से होता है, अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। ऊंचा वो होता है जो बिना किसी भेदभाव के किसी प्यासे को पानी पिलाता है। ना कि वो जो किसी का नाम पूछकर ये तय करता है कि सामने वाले के साथ कैसा बर्ताव करना है। माफ कीजिए साहब, आप शहरी लोग हो और यहां गांव में तो ऐसा ही होता है। धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। देखते हैं। ये लो, हाथ धो लो। नहीं। क्यों नहीं? उस दिन मैं थका था तो तुमने भी तो मुझे पानी पिलाया था ना, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है? बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं ठीक हूँ। ये उठा पैसे और निकल। हाँ
हद होती है। इस तरह से पैसे फेंक कर तुम ना केवल इसका, इसकी मेहनत का, बल्कि माता लक्ष्मी का भी अपमान कर रहे हो। ये तरीका है किसी को पैसे देने का? लेकिन साहिब, शास्त्रों में तो लिखा है। शास्त्र पढ़े हैं तुमने? चलो बताओ, कौन से शास्त्र में कहां लिखा है कि किसी के साथ ऐसा करते हैं? कहां लिखा है कि किसी के हाथ में पैसे नहीं दे सकते? गंगाधर जी, सावरी की आई बीमार है, दवा देनी है और खाना भी बनाना है, थोड़ी इंसानियत दिखाइए और इसे पानी लेने दीजिए। पहली बार साई के अलावा भी ऐसा कोई देखा है जो हमारे लिए बोल रहा है, जो हमें इंसान समझता है। साहिब, हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मैं मान नहीं सकता। इस वाड़े में कुलकर्णी सरकार के ही नियम चलते हैं। जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं आज ही कुलकर्णी काका से कहता हूं। उनसे कुछ मत कहिएगा, वो आपका गुस्सा हम बस्ती वालों पर निकाल देंगे। तुम लोग सहते क्यों हो ये अन्याय? और रास्ता भी क्या है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे साई है ना, हमारे गुरु, हमारे हक के लिए वही आवाज उठाते हैं। कभी किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते। कई लोगों के मन से तो भेदभाव भी हटा दिया है उन्होंने, हमारे लिए तो बस उतना ही काफी है। शायद इसीलिए वो भी सबका मन नहीं बदल पाए, क्योंकि तुम लोगों ने इस अन्याय को स्वीकार किया हुआ है। कोई विरोध ही नहीं करता। जब तक बस्ती वाले इस तरह फेंके हुए पैसे उठाते रहेंगे, तब तक कभी उनकी मेहनत को सम्मान नहीं मिलेगा। सावरी, क्या हुआ काकी? साई ने हम बस्ती वालों को बुलाया, चल जल्दी। लेकिन हुआ क्या? वो तो वहां चलकर ही पता चलेगा, और वैसे भी साई जहां भी ले जाएगा हमारे भले के लिए ही होगा। चल